हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 5 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स एबिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस, फिर देखते हैं न्यूज़। पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें 3 नेशनल पार्क दिए गए हैं और फिर इसके सामने स्टेट के नाम दिए गए हैं और हमें ये पूछा गया कि कौन सा करेक्टली मैच है। पहला है यहाँ पे आपके सामने पम्बदम सोला नेशनल पार्क, दूसरा है यहाँ पे अन्नामुड़ी सोला नेशनल पार्क और तीसरा है यहाँ पे मैथिकन सोला नेशनल पार्क। आपके सामने यहाँ पे दिया गया कि पहला है वो कर्नाटका में है, दूसरा तमिलनाडु में, तीसरा केरला में है। देखो, हमने इस बार तो खैर नहीं डिस्कस किया, लास्ट ईयर डिस्कस किया था जैसा कि 16 वाले जो भी नेशनल पार्क है केरला में आते हैं, तो वैसे तीनों के तीनों नेशनल पार्क है केरला में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे only 3। और यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकती है कौन सा इनकरेक्टली मैच होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड की 1 और 2 है वो यहाँ पे इनकरेक्टली मैच है। अब हम केरला के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो देख लेते हैं। एक तो है केरला में इराविकुलम नेशनल पार्क, दूसरा है पेरियार नेशनल पार्क, तीसरा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क और चौथा है यहाँ पे पम्बदम सोला नेशनल पार्क और फिर है अन्नामुड़ी सोला नेशनल पार्क और फिर एक है मैथिकन सोला नेशनल पार्क। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो 6 नेशनल पार्क हैं केरला में हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन को लेके हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसी के अंतर्गत यह एक मिशन है इसके 8 मिशन में से। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस मिशन का उद्देश्य यह है कि 2022 तक हम 1 लाख मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड है, वो सोलर ग्रिड है, उसको डेवलप कर लें। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि यह जो स्कीम है या ये जो प्लान है मिशन है, यह मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखो, यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा वैसे डी। जवाहरलाल नेशनल सोलर मिशन है ना, यह एक्चुअली नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत ही है। देखो, मैं आपको बताऊँ, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ना, इसके अंतर्गत 8 पार्ट हैं, इसके मतलब आप बोल सकते हो कि 8 मिशन है इसमें छोटे छोटे, उसमें से एक मिशन है जवाहरलाल नेहरू सोलर नेशनल मिशन। इसके साथ इसका टारगेट ये कि भाई 2022 तक हम 1 लाख मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी की जो ग्रिड है, सोलर ग्रिड है, इसको डेवलप करें और मिनिस्ट्री बिल्कुल सही है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, उसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो रिकमेंडेशन है वो कोलिजियम के द्वारा की जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि कोलिजियम का ना तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही इसके बाद जो अमेंडमेंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें इसका उल्लेख है। देखो, वैसे ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल सही है, तो हमें पूछा है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हो कि पहला स्टेटमेंट है वो भी सही है, दूसरा भी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट तो यहाँ पे डी ही होगा, कि नाइदर और बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो आया है कि आजकल न्यूज में एक वर्ड होता है जिसका नाम है MH-60 रोमियो सी हॉक्स, यह किससे रिलेटेड है? देखो, मैं आपको बता दूं, यह अभी 2-3 दिन में न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि ये एक्चुअली यूएसए का एक हेलीकॉप्टर है, मेरीटाइम हेलीकॉप्टर, जो कि इंडिया को भी देने की बात है, वो कि मतलब यूएसए ने इसको अप्रूवल दे दे कि भाई ये इंडिया को दिया जाएगा, तो ध्यान में रखना। इससे पहले भी एक डील साइन की गई थी, वो की थी अपाची हेलीकॉप्टर को लेके, जो कि यूएसए से इंडिया मतलब इम्पोर्ट है वो करा था, तो वो डील भी सक्सेसफुल हो गई थी और हेलीकॉप्टर भेज दिए गए थे, तो अभी इस डील की बात है वो की जाएगी, तो ध्यान रखना ये भी एक हेलीकॉप्टर की डील है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है लॉर्ड हॉवे आइलैंड को लेके। लॉर्ड हॉवे आइलैंड है वो न्यूज में रहता है किस रीजन की वजह से? देखो, ये अभी न्यूज में इसलिए था, ये बेसिकली इसकी लोकेशन बता दूं आपको। जैसे देखो, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे ग्रेट रिफ्ट वैली जो है, सॉरी ग्रेट बैरियर रीफ है, जो इसमें जो का आपको बताया कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, और इसी के इस नीचे वाले हिस्से में आप बोल सकते हो कि साउदर्न हिस्से में ये आइलैंड है लॉर्ड हॉवे आइलैंड। कंटेक्स्ट अभी यह है कि लॉर्ड हॉवे आइलैंड है ना, उस पर अभी रिसेंटली क्लाइमेट चेंज का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है और वहाँ पे जो कोरल रीफ है वो बुरी तरीके से नष्ट होती जा रही है, मतलब कोरल ब्लीचिंग को लेकर आर्टिकल था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी की कोरल ब्लीचिंग की वजह से न्यूज में था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि यूनियन टेरेटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, वो मद्रास हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि गोवा के लिए अलग से सेपरेट हाई कोर्ट है वो बनाया गया है। देखो, ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट है ना वो इनकरेक्ट के हिसाब से, मतलब बहुत ए और बी दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर होगा सी। यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकते थे कि कौन सा करेक्ट है, तो इसका आंसर होता है डी, कि ना ए ना बी,
क्योंकि आपको पता है कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो बेसिकली आते हैं वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के अंतर्गत, ना कि तमिलनाडु या मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत। और गोवा है इसका जो हाई कोर्ट का मामला है वो आपको पता है कि मुंबई के अंतर्गत आता है। गोवा हुआ, दमन दीव हुआ, ये दोनों ही मुंबई के अंतर्गत आते हैं, ना कि इनका अलग से सेपरेट हाई कोर्ट है। केवल यूनियन टेरेटरी की बात करें तो दिल्ली एनसीआर एकमात्र ऐसी यूनियन टेरेटरी है जिसका अलग से हाई कोर्ट है, वो है। नेक्स्ट जो हमारा पहला आर्टिकल आया है वह है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर। कंटेक्स्ट ये कि देखो, गवर्नमेंट ने अभी 40,000 करोड़ का ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ना, ये 2015 में डेवलप किया था। अब ये है क्या बेसिकली, इसमें भी पैसे वगैरह की बात हो की गई है। ये देखो फंड या ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ना, ये इसलिए बनाया गया था कि हमारे देश के अंदर के जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड और जो भी स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, इनको कम्प्लीटली किया जा सके और एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है वो मिल सके। पहली बात ये होती है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कौन से होते हैं और ब्राउन फील्ड कौन से होते हैं। देखो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो कि नए सिरे से स्टार्ट किया जाते हैं, मतलब वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी उस रिलेटेड काम नहीं हो, एकदम न्यू फ्रेश प्रोजेक्ट है होगा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि उस प्रोजेक्ट पे थोड़ा बहुत काम हो सकता है, जैसे कि भाई ये मान लो कि बिल्डिंग वगैरह बनी हो सकती है या फिर पहले कोई दूसरी फैक्ट्री थी तो उसमें कोई चेंजेस वगैरह करके कोई नया प्रोजेक्ट लग रहा हो तो हो जाता है ब्राउन फील्ड। तो ये आपको ध्यान में रखना है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। अभी हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल के तौर पे इसका एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के तौर पे इस फंड का निर्माण है वो किया गया है। ये ध्यान रखनी है कि ये जो 40,000 करोड़ का जो फंड बनाया जाएगा ना, इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होगी वो होगी 49%, मतलब गवर्नमेंट इसमें मेजोरिटी में नहीं रहेगी, गवर्नमेंट इसकी मेजर स्टेक होल्डर नहीं रहेगी, क्योंकि जो बाकी अदर स्टेक होल्डर होंगे जैसे कि कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर हो सकता है, थर्ड पार्टी जो इन्वेस्टर होंगी उनकी मेजोरिटी यहाँ पे रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की मैक्सिमम हिस्सेदारी इसमें 49% तक ही रखी जाएगी। अब ये फंड देखो अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि थोड़ी मैनेजमेंट काफी अच्छा रहेगा और इसीलिए इसमें गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी वो 49% तक ही रखी है। अब ये जो प्रोजेक्ट लिस्ट के तहत जो फंड है, इसके जो प्रोजेक्ट हैं वो लगेंगे जैसे एनर्जी सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, हाउसिंग हुआ, वाटर हुआ, वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, या फिर और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है वहाँ पे, तो ये हमें ध्यान में रखना है। बेसिकली जो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ना, इसमें कुछ गाइडलाइन ऐसी भी होंगी जो कि सेबी द्वारा रेगुलेट की जाएंगी और कुछ वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तहत भी रजिस्टर हैं वो की जाएंगी। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो करेगा और किस टाइप के इसमें प्रोजेक्ट होंगे। देखो जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ना, इसमें तीन तरह के फंड है, मतलब इस फंड को तीन भागों में डिवाइड किया गया, मोटा मोटा हम ऐसे समझ सकते हैं। एक फंड है मास्टर फंड। मास्टर फंड का मतलब ये है कि नए जो कोर इंपोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गए ना, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात से हम करें कि भाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट, मतलब कि रोड वगैरह, पोर्ट वगैरह हुआ, एयरपोर्ट हुआ, लाइट हुई, ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, इन में इन्वेस्टमेंट करना वो हो जाएगा मास्टर फंड का पैसा कि यहाँ पे जाएगा। दूसरा होगा फंड ऑफ फंड्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जैसे कि हाउसिंग हो गया या फिर सर्विस क्लास का सेक्टर हो गया, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, वो हो जाएगा फंड ऑफ फंड का। इसके साथ ही तीसरा जो फंड होगा वो होगा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पर, मतलब वो कि पर्टिकुलर जो कि सेबी के द्वारा रेगुलेट है वो किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें तीन तरह के फंडों को रखा वो किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स को लेकर। देखो सबसे पहले कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है वो होता क्या है वो हम थोड़ा देखते हैं। कंटेक्स्ट कुछ खास नहीं है, कंटेक्स्ट बेसिकली ये कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ना, उसने भी 18 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है वो साइन की है, बस ये है कंटेक्स्ट। बट इम्पोर्टेंट ये कि भाई एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होता क्या है। जैसे देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं किस चीज़ का, ले ये मान लो कि हाँ एप्पल के फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं। ये मानते हैं कि एप्पल का फ़ोन है वो एप्पल की जो मेन कंपनी है वो यूएसए की है, ठीक है, आपको पता है यूएसए की कंपनी है और वो इंडिया के अंदर सेल कर रही है। अब होगा क्या, आपको पता है कि इंडिया के अंदर भी एप्पल ने अपनी काफ़ी सारी ब्रांचें वगैरह खोल रखी, जैसे मान लो कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी हैं कि एप्पल यहाँ पे फ़ोनों को असेंबल करता है। अब ये मान लो कि एप्पल ने इंडिया में फैक्ट्री लगा रखी है और फिर एप्पल क्या बोलता है टैक्स के मामले में, जब गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है तो बोलता है कि भाई हम तो जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो तो हम यूएसए से खरीद रहे हैं, ठीक है। अब आप एक बार ये देखिए कि यूएसए से एप्पल रॉ प्रोडक्ट तो खरीद रहा है, मतलब फ़ोन की जो सिम वगैरह चिप वगैरह कुछ भी मान लो कि वो वहाँ से खरीद रहा है, जैसे कि स्पीकर होगा, कुछ भी फ़ोन की बैटरी वगैरह होगी। अब क्या करके एप्पल को इस चीज़ का पता है कि भाई अगर इंडिया में अगर हम प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएंगे ना तो हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो एप्पल क्या कर सकता है, एप्पल ये कर सकता है कि भाई यूएसए के अंतर्गत जो
सामान खरीद रहे हैं ना इंडिया के लिए ही, उस सामान को महंगा दिखा दे। जैसे मान लो कि बैटरी नॉर्मली रेंज होती है 100 रुपए की, मान लो बैटरी है, जबकि एप्पल क्या दिखा देगा इंडिया से कि भाई हमने तो यूएसए से जो बैटरी है ना वो 15,000 की बैटरी इम्पोर्ट की है। तो इसका होगा क्या कि इंडिया में उसको टैक्स कम देना होगा और टैक्स इसका वहां बच जाएगा यूएसए में। तो इस तरीके के जो मेथड है वो मेनली यूज यहाँ पे किए जाते हैं। इस तरीके से कंपनियां क्या करती हैं, टैक्स को चोरी करती हैं। अगर दूसरा एग्जांपल से हम समझे, मान लो कि जो ब्रेड आती है इंडिया में, कोई भी एक ब्रेड का एग्जाम्पल ले लो कि मान लो मदर डेयरी की ब्रेड आती है। अब मदर डेयरी वाली कंपनी है उसकी जो मेन पेरेंट कंपनी है वो मान लो यूएसए में है या सिंगापुर में, मान लो चलो कि सिंगापुर में आपको पता है टैक्स बहुत कम है। तो अब इंडिया में जो मदर डेयरी की ब्रेड बनेगी वो क्या बोल देगी कंपनी इंडिया में जो मदर डेयरी वाली, वो कि भाई देखो हम तो जो ब्रेड के लिए आटा है ना वो सिंगापुर से खरीदते हैं और सिंगापुर में आटा हमारे, हम सिंगापुर में आटा इतने रुपए में खरीदते हैं। मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात ये है कि वो जो पैसे हैं ना वो सारे टैक्स में चोरी करने के चक्कर में दूसरी जगह ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं एक तरीके से, कि भाई ठीक है वहां से सामान दिखा दे। जो कि ऑल ओवर आपको पता है प्रॉफिट मदर डेयरी का ही हो रहा है और उस वाले केस में एप्पल का ही हो रहा है, चाहे एप्पल की कंपनी इंडिया में हो चाहे यूएसए में, वो मतलब थोड़ी होता है कि कंपनी तो अपना ऑल ओवर टर्नओवर देखती है ना। तो इस तरीके से कंपनियां क्या है टैक्स में चोरी करती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करती हैं, जो गवर्नमेंट होती है ना वो क्या करती हैं, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन करवाती हैं कि जैसे भाई एप्पल को बोल देंगी इंडिया में, इंडिया गवर्नमेंट बोलेगी एप्पल को कि देखो भाई साहब आप बैटरी बाहर से खरीदने वालों कोई बात नहीं, बट आप पहले डिक्लेयर करोगे किस रेट पर आप बैटरी है वो खरीदोगे इस साल। हो सकता है कि कुछ कारण से बैटरी महंगी हो जाए तो उस कंडीशन में विचार किया जाएगा, बट आप नॉर्मली एक बार आप क्लियर कीजिए ताकि पता चल सके कि भाई आप चोरी वगैरह ना कर सको। तो इसलिए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है वो साइन किया जाता है। वही बात देखो यहाँ पे लिखी गई है कि एक एग्रीमेंट होता है जो टैक्स पेयर और जो टैक्स अथॉरिटी है इसके बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी को लेके, कि भाई टैक्स पेयर है वो इस रेट पे सामान है फ्यूचर में खरीदेगा, तो उसको लेके एग्रीमेंट है वो साइन किया जाता है। तो ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया। बेसिकली ये तीन टाइप का होता है, यूनिलेटर, बाइलेटर और मल्टीलेटर। तो देखो ये तो इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट पीएचडी करने की जरूरत है वो नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है और किस लिए इसका यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज यही है कि साउथ कोरिया है उसने विश्व का पहला 5G नेटवर्क है वो लॉन्च किया है। बस यही कंटेक्स्ट और एक छोटी सी न्यूज है, तो यूपीएससी इसके बारे में भी पूछ ले। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है न्यूजन मोबिलिटी सबमिट 2018। मोबिलिटी का मतलब एक तरीके से आप सोच सकते हो कि ट्रांसपोर्ट या मतलब मूवमेंट, मूवेबल एक तरीके से, मतलब इधर से उधर जाना इधर से उधर आना, ये मूवेबल, जिससे आप याद रख सकते हो कि मोबिलिटी। कंटेक्स्ट यह है कि जो न्यू जन मोबिलिटी सबमिट 2019 है ना वो इंडिया के जो एनसीआर का एक रीजन है मानेसर, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, वैसे तो गुड़गांव में आता है, वहां पे यह सबमिट आयोजित किया जाएगा। इसको लेकिन न्यूज है वो ये इस बार नवंबर में। अब देखो इसका मोटो क्या है, इसका मोटो सीधा सीधा ये है कि मोबिलिटी के जो आइडियाज हैं, मतलब सीधी से आप बोलो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगी मोबिलिटी के बारे में, नहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के जो भी नए आइडियाज हैं, नए ग्लोबल एक्सपीरियंस हैं, नए जो भी इनोवेशन, नई जो टेक्नोलॉजीज हैं, किस तरीके से हमें इनको अडोप्ट करना है, किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, किस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर को आगे लेके जाना है और किस तरीके से नए प्रोजेक्ट हैं वो स्थापित करना है, इन समस्या संबंधित सबमिट बातें हैं वो यहाँ पे की जाएंगी। और यह जो समिट है वो आयोजित किया जाएगा ICAT यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, और इसी के साथ ही बाकी कई इंस्टीट्यूट हैं वो भी इसमें शामिल है वो होंगी। तो ये सब तो ध्यान नहीं रखना है, बस ये बताना चाहिए कि न्यू जन मोबिलिटी समिट 2019 कहाँ पे होगा और इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है भाई किससे रिलेटेड है। तो देखो ये थी आज की हमारी कंप्लीट न्यू डिस्कशन, तो फिलहाल इतना ही है, बस एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आज हमने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में डिस्कस किया, जो कि 49% गवर्नमेंट के सदारी है, बाकी थर्ड पार्टी कोई भी प्राइवेट स्टेक होल्डर कोई कंपनी इसमें शामिल हो सकती है। तीन तरह के फंड को डिवाइड इसमें किया गया, मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड और इसका स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड। इसके साथ ही हमने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस किया कि अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने 18 कंपनी के साथ या 18 सेक्टर के साथ ये साइन किया है। इसी के साथ हमने देखा कि साउथ कोरिया है वो विश्व की पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने 5G नेटवर्क को लॉन्च है वो किया है। माना जा रहा है कि 5G की स्पीड है वो 4G से लगभग 100 गुना ज्यादा होगी। इसके साथ ही हमने न्यू जन मोबिलिटी समिट 2019 के बारे में डिस्कस किया। तो ये थी हमारी कंप्लीट न्यूज, तो फिलहाल इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कसिंग।